हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुल बजाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉयर लीगल राइट्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 की, FRDI बिल 2017 की। देखिए, FRDI बिल जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर अगस्त 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी डिस्कशन आज भी पार्लियामेंट के अंदर चल रही है। तो देखिए, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन बिल को अगर आपने समझना है, FRDI बिल को अगर आपने समझना है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि मान के चलिए बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर एक बैंक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बीमार पड़ जाता है, इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि हो सकता है उस बैंक की डेथ हो जाए, यानी कि वाइंडिंग अप की सिचुएशन में चला जाए, तो उस सिचुएशन से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे बाहर निकाला जाए, तो उसके बारे में बताता है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन इंश्योरेंस। जो हमारा बिल है, FRDI बिल जो 2017 है, वो हमें बताता है कि एक सिचुएशन जो है फाइनेंशियली, जो है एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा सिक हो जाता है, तो उस सिक सिचुएशन से कैसे उस बैंक को बाहर निकाला जाए। देखिए, अब फाइनेंशियली सिक हो जाना इसका मतलब क्या है? देखिए, फाइनेंशियली सिक हो जाने का मतलब ये है किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं लाइबिलिटीज़, कि उसको कि एक तरफ से कि बैंक को उसको पूरा नहीं कर पाता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आप, यानी कि डिपॉजिटर्स जो बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, तो बैंक के अंदर अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं, आज वो पैसा बैंक के हाथ में है, लेकिन उसके ओनर कौन है, वो पैसा किसका है, वो पैसा है आपका। तो यानी कि वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, वो बैंक का कर्तव्य है कि कुछ टाइम बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने बैंक के अंदर जो भी स्कीम से आप पैसा जमा करवा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो पैसा आपको वापस मिले, तो वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको पैसा वापस देना। दूसरी तरह से अगर मैं मान के चलूँ, बैंक की एसेट्स क्या है? जो बैंक आपको लोन दे रहा है, वो बैंक की एसेट है। आज वो पैसा लोन के रूप में आपके हाथ में है, लेकिन उसका हकदार, उसका ओनर कौन है? बैंक ही है आज भी। कुछ टाइम बाद वो बैंक जो है आपसे पैसे वापस ले सकता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। तो देखिए, अगर ये कंडीशन आ जाती है, बैंक की लाइबिलिटीज जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उन लाइबिलिटीज को जो एसेट्स हैं कवर नहीं कर पाती, तो वो सिचुएशन आ जाती है एक बैंक को बंद करने की, एक बैंक को वाइंड अप करने की। तो उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशन बिल 2017 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, बहुत आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर की बहुत अच्छी चीज़ है कि बैंक को एक प्रॉपर उसको, देखिए बैंक जो है एक बहुत इकोनॉमी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सी चीज़ें इसके साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, सारा मनी का सर्कुलेशन जो है हमारे बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो क्यों पार्लियामेंट के अंदर अभी तक इसके अंदर डिस्कशन चल रही है, पार्लियामेंट के बाद जॉइंट कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया गया है कि इस बिल को लाया जाए या फिर क्या चेंजेस करके लाया जाए। देखिए, इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम जो है अराइज हो रही है, वो हो रही है बेल इन क्लॉज को लेकर। देखिए, बेल इन क्लॉज का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको बेल इन क्लॉज से पहले आपको बेल आउट क्लॉज समझना होगा, जो कि प्रेजेंटली हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है। देखिए, बेल आउट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इफ़ इन केस, अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो वाइंडिंग अप की, ख़त्म होने की सिचुएशन में आ जाता है, तो ये गवर्नमेंट जो है अपने फंड से, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े हैं, वो गवर्नमेंट जो है बैंक को रेस्क्यू करने में वो पैसा लगाता है। जो भी बैंक, जो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, चाहे हमारे थ्रू आए हैं, थ्रू टैक्सेस से आए हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस जो है गवर्नमेंट चला रही है, वहाँ से जो फंड आ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, अभी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, अगर कोई भी बैंक वाइंडिंग अप की सिचुएशन में जा रहा है, तो उसकी लाइबिलिटीज़ को कवर किया जाए, उसकी लाइबिलिटीज़ को जो है गवर्नमेंट देखे। तो ये तो है बेल आउट क्लोज, कि जो गवर्नमेंट है पब्लिक फंड, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पड़ा है, उस पब्लिक फंड को लगाए उस बैंक को ठीक करने के लिए। अब बेल इन क्लॉज की सिचुएशन के अंदर क्या है? देखिए, बेल इन क्लॉज क्या कहता है कि जो भी पैसा डिपॉजिटर्स, यानी कि हम और आप, जो भी पैसा हम जो है, जो पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं, अगर इन केस कि बैंक वाइंडिंग अप की सिचुएशन अगर उसकी आती है, तो जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो यूज़ किया जाएगा। यानी कि
बैंक की जो भी हम जो भी लाइबिलिटीज हैं, कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी अगर बैंक की ये सिचुएशन आ जाती है कि बैंक को वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाती है। तो देखिए एक बहुत सी, एक मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, हो सकता है काफ़ी जनों को ना भी पता हो। अभी प्रेजेंटली बैंक के पास ये पावर है कि अगर इन केस अगर बैंक की ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाती है, तो बैंक के पास ये पावर है कि बैंक की वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाती है, सिर्फ 1 लाख जो है उतनी उसकी लाइबिलिटी है, सिर्फ ₹1 लाख तक की उसकी लाइबिलिटी है कि वो सारे अपने जिंदगी जितनी भी उनकी लाइबिलिटी बनती है सिर्फ 1 लाख तक ही वो पैसा दे। तो ये क्लॉज एक है और ये बेल इन क्लॉज ऊपर से, तो इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि जो बैंक जो डिपॉजिटर होल्डर्स हैं कि वो सोच रहे हैं कि सारा कुछ जो है आज के टाइम में बैंक से कनेक्टेड किया जा रहा है, जितना भी डिजिटलाइज इकोनॉमी हो रही है, और जो बैंक जो है जो आज के टाइम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, और क्या हमारा पैसा वहाँ पर रखना आप सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि देखिए ऐसा कोई भी स्टेप जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन बेल इन क्लॉज के अंदर ये डिफाइन किया गया है। अब इनके सपोर्ट में जो हैं जो बैंक के जो जो भी हैं जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट भी तो देती हैं जब फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा होता है, तो क्यों ना जब बैंक डूब रहा है, जो डूब रहने की सिचुएशन में होते हैं, तो क्यों ना आपका भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहना चाहिए उस बैंक को उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो देखिए अभी इसी के ऊपर ही है जो डिस्कशन चल रही है, ऐसा बहुत बार हुआ भी है। 2008 के अंदर आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया के अंदर भी आई थी, जो बैंक्स जो इंग्लैंड के अंदर जो काफ़ी बैंक्स थे जो कि बिल्कुल जो बिल्कुल वाइंड अप हो चुके थे, तो एक बड़ा एग्जाम्पल वो भी है। तो इन चीज़ों सबको देख कर कि जो हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सेफ रह सकें, ताकि तो डिपॉजिटर्स के लिए थोड़ा सा ये जो बेल इन क्लॉज है जो कॉन्ट्राडिक्ट उनके लिए जो करता है। तो देखना ये होगा कि अब पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या इसे लॉ बनाती है या ये बिल बनकर ही रह जाएगा। अब देखते हैं कि अब ये विंटर सेशन के अंदर तो ये नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको, वीडियो के अंदर मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये FRDI बिल क्या है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाने में। थैंक यू सो मच।